हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम भगत यूट्यूब चैनल। मैं हूं शुभम और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, आप ऑल ओवर द कंट्री आप कुछ भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उस टाइम एक दिक्कत होता है, आप अपना मोबाइल फ़ोन से या डेस्कटॉप से आप अगर फॉर्म फिलअप करते हैं तो एक फ़ोटो रिसाइज करने का, चाहे सिग्नेचर हो चाहे फ़ोटोग्राफ्स हो, आपको काफ़ी दिक्कत होता है। बेसिकली अभी जो दिक्कत आया था एक गेट एग्ज़ाम के रिलेटेड, गेट एग्ज़ाम में फ़ोटो रिसाइज करना, और एक दूसरा जो था सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का, मुझे उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो जो है बनाना पड़ा है, दो जो टॉपिक था। और उसके अलावा आप कुछ भी एग्ज़ाम देना क्यों, ऑल ओवर द कंट्री आप सब में अपना फ़ोटो अपना जो है आप रिसाइज कर सकते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर से आपको एक ऐप नवाना मतलब डाउनलोड करना होगा, फ़ोटो रिसाइजर HD। ज़्यादा डाउनलोड नहीं है उस ऐप का, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा, और भी काफ़ी सारे ऐप्स हैं उससे बेहतर, ये जो ऐप है काफ़ी बेहतर है। ठीक, तो सबसे पहले मैं गेट एग्ज़ाम के रिलेटेड बता देता हूँ, उसके बाद आऊँगा। दो स्टेप है, एक गेट एग्ज़ाम के रिलेटेड, एक फ़ोटो सिग्नेचर, दो भी है, और उसके अलावा और एक बताऊँगा सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी के लिए। और कुछ भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं आप सेम प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा, अपना जो फ़ोटो का साइज़ रिसाइज कर सकते हैं, बड़ा छोटा जो भी चाहें, KB में छोटा बड़ा जो भी चाहें वो कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे देखिए मुझे कस्टम बटन में क्लिक करना है। ठीक, और जो गेट एग्ज़ाम का था चौड़ाई में था 480 और लंबाई में था 640 मैक्सिमम। ठीक, और मिनिमम 240 320 ऐसे कुछ था। इसको जब मैंने किया, देखिए फ़ोटो का साइज ऐसा कुछ हो गया। ठीक, इसको मैं सिंपली शेयर बटन में क्लिक करता हूँ ना, शेयर बटन में क्लिक करके मैं, अगर किसी को रिकमेंड हो मतलब व्हाट्सएप में किसी ने मुझे बोला कि मुझे बना के इसको जो ठीक करके दे दे, या मुझे सेव करके रखना है तो किसी को मैं व्हाट्सएप को शेयर करके उसको मैं डाउनलोड करके रख सकता हूँ, या सिंपली वही सबसे बेहतर ऑप्शन रहेगा आपके पास। ठीक, किसी को शेयर कर दीजिए, शेयर करके आप गूगल फोटोज़ में भी आप सेव कर सकते हैं, अपलोड टू फोटोज़ आप कहीं भी रख सकते हैं। तो मेरा मानना सबसे सही रहेगा आप अपना जो व्हाट्सएप है किसी को भेज दीजिए, उसके बाद उसको डाउनलोड कर दीजिए। अगर सिंपली डाउनलोड हो जाता है तो सही है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा ही था, अगर आपको सिग्नेचर का साइज रिसाइज करना है तो रिसाइज में उसका तो कुछ ऐसा था 120-160 ऐसा कुछ था। ठीक, आप उसको देख लीजिएगा, जो भी साइज हो आप उसको उसके हिसाब से आप उसको कर लीजिएगा। ऐसा ही साइज़ जो होगा दोनों का साइज, आप फ़ोटो का हुआ या आप सिग्नेचर का हुआ, इसको कर लीजिएगा। बाकी रहा आप इसको अगर कुछ करना चाहते हैं इधर इधर कुछ तरफ से, ठीक है, इसको आप घुमा सकते हैं जैसे भी रोटेट करना चाहे, इस बटन में क्लिक कर इसको रोटेट कर सकते हैं और इस पर आप साइज कर सकते हैं। ठीक है, रेशियो काफ़ी सारा फीचर्स है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान जो फीचर्स था वही बताया। अब मैं बताऊंगा आपको कि आप अपने साइज का मतलब फ़ोटो का साइज कैसे रिसाइज कर सकते हैं। ठीक, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कोई भी फ़ोटोज़ को या सिग्नेचर को आप रिसाइज कैसे कर सकते हैं। तो मुझे कल किसी ने एज सिग्नेचर भेजा था, मैं उसको कर दिया था। ठीक, तो 73 का KB का उसका साइज़ है फाइल का, और इसको मैं जो है फ़ोटो रिसाइजर HD ऐप में ओपन करने वाला हूँ मैं। और इमेज साइज में आप 50% है, इसको आप कस्टम करके कोई भी साइज, जो भी पिक्सल आप जितना भी साइज का पिक्सल चाहते हैं उसको कस्टम कर बैठा सकते हैं यहाँ से। ठीक, 480 या 420 या 500-600 जितना भी आपको चाहे आपको लिखा हुआ होगा, और JPG क्वालिटी आप 195-90 जो भी आपको चाहिए वो कीजिएगा। तो 95-75-100 ही रख सकते हैं आप, और इसको जब इस बटन में अगर क्लिक करते हैं तो आपका जो फ़ोटो ओपन हो जाएगा, आप इसको ओपन करके देख सकते हैं, और शेयर बटन में क्लिक करके आप इसको जो व्यू कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इसको व्यू करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर है देखिए। ठीक, इसको 39 KB में आ गया। तो ऐसा ही कुछ था, फोटो सही रिसर्च कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।